दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी है, इस कंपनी का आईपीओ मार्केट में हिट होता हुआ आपको नजर आएगा और इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है और इस बिजनेस के अंदर इनको आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है कंपनी का आउटलुक, और इस आधार पे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के इस आईपीओ में हमें क्या अप्लाई करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। चलिए कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको GHLB बोलते हैं, जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड जो है वन ऑफ द की रीजनल कॉर्पोरेट हेल्थ केयर कंपनी है। क्या करती है ये? रीजनल कॉर्पोरेट हेल्थ केयर कंपनी है, यानी कि हेल्थ सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। ईस्टर्न इंडिया में काम करती है, भारत के पूर्वी हिस्से में काम करती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये वन ऑफ द की रीजनल कॉर्पोरेट हेल्थ केयर कंपनी है इन टर्म्स ऑफ बेड एंड हॉस्पिटल। फिस्कल ईयर 2023 की यहाँ पे बात हो रही है और ये रिपोर्ट जो है वो क्रिसिल की है, कंपनी की नहीं। जीपीटी हेल्थ केयर जो है वो एक चेन है मिड साइज फुल सर्विस हॉस्पिटल का, मिड साइज फुल सर्विस हॉस्पिटल का अंडर द ब्रांड एंड प्रोवाइड इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज विद अ फोकस ऑन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी और टर्सरी केयर में यहां पर कंपनी फोकस करके चलती है। एज ऑफ September 30, 2023 जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड ऑपरेट कर रही है 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 4 इनके पास हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला हॉस्पिटल इनका दमदम में है, साल्ट लेक में है और हावड़ा, ये 3 हो गए आपके वेस्ट बंगाल में, और एक हॉस्पिटल इनका अगरतला त्रिपुरा में है और टोटल कैपेसिटी इनके पास है 561 बेड की। हेल्थ केयर जो सर्विस जीपीटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो टोटल 35 स्पेशलिटीज में प्रोवाइड कर रही है और स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी की सेवा इनके साथ अवेलेबल, इनके यहाँ अवेलेबल है। इंटरनल मेडिसिन, डायबिटोलॉजी, न्यूफ्रोलॉजी इंक्लूडिंग रेनल ट्रांसप्लांट, लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, एब्स्ट्रैक्टिक क्रिटिकल केयर, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पेडियाट्रिक, नियोनेटोलॉजी, ये सारी सुविधाएं हैं जो कि आपको स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में रेंज करती हैं, जिसमें कि कंपनी अपने जो पेशेंट हैं, इसमें कस्टमर हैं, उनको सर्विस दे रही है। कंपनी स्ट्रेटेजिकली फोकस है क्या करने के लिए, ऑन रिलेटिवली अंडर पेनिट्रेटेड हेल्थ केयर मार्केट इन ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पे आप ये ध्यान में रखिए कि बहुत सारी कंपनियां जो है अच्छे अच्छे लोकेशन पे होती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में काम करेंगी या फिर साउथ इंडिया में काम करेंगी या नॉर्थ इंडिया में दिल्ली गुड़गांव इस तरह के एरिया में, चंडीगढ़ के एरिया में काम करेंगी, लेकिन यहाँ पर है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये कंपनी काम कर रही है। अब यहाँ पर देखिए 3 लोकेशन पे, 3 शहरों में यहाँ पे कंपनी काम कर रही है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्स कोविड में तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू था सबका, कोविड के बाद कंपनी का जो CAGR है वो रेवेन्यू में 53% का है। फिस्कल ईयर 21 से 23 की यहाँ पर बात हो रही है और ROCE 26% है। तो इट्स हॉस्पिटल इन वेस्ट बंगाल आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हावड़ा। तो ये 3 हॉस्पिटल इनके जो है कोलकाता और हावड़ा में है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है और यहाँ पे इनका बिजनेस आराम से हो जाता है। उसके अलावा अगर ये वेस्ट बंगाल में है तो ये पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, 3 जगह से इनके कस्टमर आराम से इनको मिल जाते हैं। और भारत में देखिए मेडिकल जो वैल्यू है ये तो सभी को पता है कि मेडिकल वैल्यू बहुत अच्छी है, मेडिकल टूरिज्म ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और यही कारण है कि भारत जो है, इंडिया इज फास्ट इमर्जिंग एज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब घूमना फिरना भी हो जाएगा और स्वास्थ्य की रक्षा भी हो जाएगी। तो इस लिहाज से यहां पर कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट सिटी जो अगरतला है वो वेल प्लेस्ड है, जो कि अपने पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और बगल में नेपाल है और भूटान है, वहां से आराम से ये लोग यहाँ के कस्टमर आते हैं और इनकी सेवाएं ले सकते हैं। और ये तथ्य ये इस बात से भी आप जान सकते हैं कि बांग्लादेश से टोटल मेडिकल टूरिज्म का 57% भारत में हो रहा है। 30 सितंबर 2023 तक इसके पास, इस कंपनी के पास, जीईटी हेल्थ केयर्स के पास 1902 एम्प्लॉई हैं, जिसमें कि 91 फुल टाइम कंसल्टेंट है और 481 इनके विजिटिंग कंसल्टेंट है, यानी कि डॉक्टर्स हैं, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स कुछ फाइनेंशियल्स पर नजर डाल देते हैं।
31 मार्च 2021 317 करोड़, देन 323 करोड़, देन 326 करोड़। ये है आपका एसेट्स जो कि उसी पॉइंट पर बना हुआ है 332 करोड़ 30 सितंबर 2023 को। रेवेन्यू की बात करें 248 करोड़, 342 करोड़, 366 करोड़। तो रेवेन्यू में आपको लगातार वृद्धि देखने में आ रही है। 206 करोड़ ये रेवेन्यू है 30 सितंबर 2023 तक का, इसको अगर आप डबल करेंगे तो 412 करोड़ हो जाएगा। तो लगातार आपको पिछले 3 साल में कोरोना के जाने के बाद कंपनी के सेल्स में लगातार वृद्धि आपको नजर आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 करोड़, 41 करोड़, 39 करोड़, यानी प्रॉफिट जो है 3 साल में आपको अगले साल ही डबल हो गया था, इनफैक्ट उस पर कंपनी कायम है, और 23 करोड़ 49 लाख ये 30 सितंबर 2023 का है। नेटवर्थ फिलहाल कंपनी के पास 171 करोड़ का है जो कि आपको बढ़ता हुआ नजर आया 132 करोड़ से, और रिजर्व्स कंपनी के पास 92 करोड़ रुपए के हैं। बोरिंग की बात करें, कंपनी ने लगातार अपनी बोरिंग्स को घटाया ही है, 122 करोड़ 95 करोड़ और 64 करोड़ और 55 करोड़, तो कंपनी के पास इस समय 55 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में लोन के पड़े हुए हैं। आरओई ठीक ठाक कंपनी निकाल रही है, 23.59%, आरओसी 26% और डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत यहाँ पे कमेंडेबल पोजीशन 0.39 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.06। कंपनी इस पैसे का क्या करेगी, आईपीओ से मिलने वाले पैसे का क्या करेगी, रीपेमेंट करेगी और प्रीपेमेंट करेगी अपने आउटस्टैंडिंग लोन का, जो 55 करोड़ रुपए मैंने दिखाया उसमें से कंपनी कुछ पैसा यहां पर पेमेंट करने वाली है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में प्रयोग करेगी। इसका मतलब है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट का अभी वो चल रहा है वो कम होगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर बढ़ने वाली है। अब कंपनी ने कुछ कॉम्पिटिटर्स दिखाए हुए हैं, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड जो कि मेदांता का है, 12 रुपया ईपीएस है और 90 रुपया का पीई है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी किम्स 42 रुपए का ईपीएस है और 49 यहाँ पे पीई है। जुपिटर लाइफ लाइन 13 ईपीएस और 81 का पीई है। यथार्थ 10 ईपीएस और 37 का पीई है। कोवई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल 105 का ईपीएस है फ्रेंड्स, 29 इसका यहां पर हो जाता है पीई रेशियो। शैलबी 6 रुपए इसका ईपीएस है और 49 पर अवेलेबल है। अभी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पी क्या है। अब कुछ यहाँ पर और फाइनेंशियल्स देखते हैं। इस कंपनी का पेट मार्जिन 2020-21 में है 8.48%, फिर 12% हो जाता है, फिर थोड़ा सा कम है, फिर उसके बाद 11%, यानी कि 2021 के बाद डबल डिजिट में यहाँ पर कंपनी अपना पेट मार्जिन बरकरार रखने में सफल है। अच्छा खासा यहाँ पे पेट मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट 3 साल का एवरेज ईपीएस फ्रेंड्स 4.62 रुपए है। लास्ट 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 23% का, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। प्री आईपीओ प्राइस टू बुक है 8.67 और एनएवी है 21, यानी कि ये काफी महंगा है, और आईपीओ के बाद भी ये 7.22 प्राइस टू बुक वैल्यू है और एनएवी 25, तो ठीक ठाक यहाँ पर वैल्यूएशन रखी गई है। FY 24 को अगर आप एनुलाइज करें तो P आता है इसका 32। फ्रेंड्स आईपीओ से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 22 फरवरी को ये आईपीओ मार्केट में हिट होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड 177 रुपए से 186 रुपए और 80 शेयरों का एक लॉट है। टोटल फ्रेंड्स जो इशू साइज है वो 524 करोड़ 14 लाख रुपए का है। फ्रेश इशू 40 करोड़ रुपए का है और ऑफर फॉर सेल 485 करोड़ रुपए का है। यानी कि यहां पर एक मेजर कंसर्न जो दिखा वो है ऑफर फॉर सेल ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और केवल 40 करोड़ रुपए इससे कंपनी के पास जा रहा है। एज आई सेड कि कंपनी के पास 55 करोड़ रुपए के लोन है, जिसमें से कि अगर पूरा का पूरा 40 करोड़ भी दे दिया जाए तो 15 करोड़ का लोन बचेगा, लेकिन पूरा का पूरा तो नहीं देने वाली है कंपनी। क्यूआईबी कैटेगरी में यहां पर ऑफर किया जा रहा है 50%, रिटेल कैटेगरी में ऑफर किया जा रहा है 35% और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी में यहां पर 15% ऑफर किया जा रहा है। फ्रेंड्स इनिशिएशन रिफंड अगर शेयर नहीं मिलता है तो 28 तारीख को आपको रिफंड हो जाएगा, और अगर मिल गया तो 28 तारीख को ही क्रेडिट होगा आपके डीमैट अकाउंट में, और 29 तारीख को 29 फेब को ये होगा लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में। तो ऐसा दिन जो कि 4 साल में एक बार आता है उस दिन ये लिस्ट होगा। अब यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है वो जान लीजिए। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए 80 शेयरों के लिए आपको लगाने हैं 14,880। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 1,040 शेयरों के लिए 1,93,440 लगाने हैं। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट के लिए लगाएंगे 1,120 शेयरों के लिए 2,08,320 और एसएचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट के लिए 5,360 शेयरों के लिए 9,96,960।
और BHNI में मिनिमम 68 लॉट के लिए 5,440 शेयरों के लिए 10,11,840 रुपए लगाने होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कंपनी जो है वो हेल्थ केयर में काम कर रही है, और हेल्थ केयर में खास करके कंपनी का जो बेनिफिट हो रहा है, जो कंपनी के कस्टमर हैं, वो मेडिकल टूरिज्म के द्वारा कंपनी को ज्यादा कस्टमर प्राप्त हो रहे हैं, जो कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस लेने के लिए भारत में आ रहे हैं। उसके अलावा भारत के कस्टमर तो है ही इंडियन, और साथ ही साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश वगैरह से कस्टमर कंपनी को मिल रहा है, कंपनी को नेपाल से कस्टमर मिल रहा है, और मेडिकल टूरिज्म जो कि एक ऐसी चीज है जिसमें कि बांग्लादेश का परसेंटेज 57% है, तो वहां से काफी कस्टमर यहां पे मिल रहा है। फ्रेंड्स, हेल्थ केयर में काम करने वाली बाकी कंपनियों का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन काफी अच्छा मार्केट उनको दे रहा है, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ की बात आप कर ले, चाहे आप यथार्थ हॉस्पिटल की बात कर ले, तो सभी आपको अच्छा खासे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। उस आधार पे अगर आप देखिए कि 32 का जो PE है और साथ ही साथ जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये काफी एक्सपेंसिव तो नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट इस समय हेल्थ केयर के ऊपर बुलिश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको GMP ट्रेंड अगर कुछ दिखाई देता है, फिलहाल GMP ट्रेंड में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन जो है वो महंगे हैं, तो वैल्यूएशन महंगे, बाजार यहाँ पे वेट कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पे इस शेयर की डिमांड होती है। तो आपको वेट करना है, वॉच करना है, और IPO के दूसरे दिन यहाँ पर देखना है कि किस तरह से मार्केट में इस शेयर के डिमांड जनरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां तक लॉन्ग टर्म व्यू की बात है, तो सारे पॉजिटिव्स मैंने बताए, और सारे पॉजिटिव को कंपनी ने अपने इस शेयर के वैल्यूएशन में डिस्काउंट कर दिया है। खुद ही डिस्काउंट करने के बाद यहां पर OFS है, और जो इनके जो प्रमोटर है वो निकल रहे हैं, तो खुद डिस्काउंट करके वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन टाइट है, और वैल्यूएशन टाइट होने के कारण थोड़ा सा आपको कॉशियस रुख अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी कंपनियां होती है ना फ्रेंड्स, तो उनका जो PE रेशियो वगैरह होता है या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू होता है, वो शुरुआत में आपको ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे एक कैची चीज ये होती है कि अर्निंग्स ग्रोथ अगर लगातार इसी तरह से आता रहे, जैसा कि कंपनी ने कहा कि CAGR 57% लास्ट 3 साल में रहा है, तो इसी तरह का मार्केट परफॉर्मेंस फिर बाद में भी एक्सपेक्ट करेगा। तो अगर ये बरकरार करने में कंपनी सफल हो जाती है, तो बिल्कुल ये एक अच्छा स्टॉक बनकर के मार्केट में निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा सा आप वेट करिए, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए आप इस पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं कि कंपनी अपने अर्निंग्स को अगर बरकरार करने में सफल हो गई, तो यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ठीक ठाक आपके लिए हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी जानकारी देने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कम से कम एक लाइक जरूर करिए, इसमें कोई भी आपका एफर्ट नहीं जाने वाला। कमेंट करिए, ये बताइए कि ये IPO आपको कैसा लगा, ये IPO इस IPO में क्या आप पैसा लगाने वाले हैं या नहीं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।